में आपका स्वागत है। हम आपको आज मछली फ्राई बनाना बताएंगे और ये रोहू मछली है। इस मछली का नाम ना रोहू मछली है। ये मैंने 2 किलो ली हुई है मछली और उसमें लगने वाला ये सामान लिया हुआ है। ये चावल का आटा है, बेसन है, लाल मिर्च, जीरा पाउडर है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और ये ज्वार का आटा है। इसको ना मछली धोने में हम यूज़ करेंगे। लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू और अदरक। पहले तो हम मछली को धोएंगे। आपके पास ज्वार का आटा नहीं होगा तो आप बेसन से भी धो सकते हैं, इसको साफ हो जाते हैं बेसन से भी धोने से। इसको अच्छी तरह लगाएंगे ज्वार के आटे को। जब ज्वार का आटा लगाते हैं ना तो एक एक पीस करके हमें धोना पड़ता है ताकि आटा इसमें से निकलना भी चाहिए। ये देखिए मैंने अच्छे से ज्वार का आटा लगा दिया इसमें। अब इसको धोऊंगी मैं अच्छे से। ये हमारी मच्छर इस तरह धो के हो चुकी है। अब इसके लिए पहले मसाला बना लेते हैं। ये लहसुन है, ये अदरक है, ये हरा धनिया है, ये हरी मिर्च है और एक नींबू का जूस हम इसमें डालेंगे। ये मसाला पीस लिया हमने, अब इसको भी मिला लेते हैं। इसमें ये नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, एक गरम मसाला, एक जीरा पाउडर, एक लाल मिर्च पाउडर और ये बेसन है और ये चावल का आटा है। इसमें इससे ना थोड़े क्रिस्पी बन जाते हैं, इसलिए मैंने चावल का आटा मिला है। इनको अब अच्छे से मिलाएंगे मसाले। जो एक नींबू बचा था ना वो अब मिलाऊंगी इसमें। ऊपर से नींबू डालने से ना थोड़ा सा ज्यादा खटास आ जाती है। कोकम भी आप डाल सकते हो, उसको पानी भी भिगो के ना उसका जो पानी निकलता है कोकम का वो भी इसमें मच्छी में आप डाल सकते हो। इसको 10-15 मिनट ऐसे ही रखें। ये देखिए मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था, मेरा तेल गरम हो चुका और इसको 15 मिनट हो गई है। अब इसको कर लेते फ्राई हम। इसको ना गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनेंगे। बड़ी कढ़ाई हो तो आप ज्यादा भी तेल डाल सकते हैं। That's really good. Crispy है? Yeah, crispy हो रहा है। हाथ से पता चलता है। ये मच्छी फ्राई की रेसिपी आप भी घर पे ट्राई कर लेना। कैसी बनती है मेरे को कमेंट में बताना और मेरे चैनल को लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना।